हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 26, और ये पेपर हुआ था 18/8/2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं इन रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और इनकी मदद से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस नेक्स्ट एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये एक स्पॉटिंग लेवल का क्वेश्चन है। सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। केवल दो पार्टी हैं यहाँ पर, अमेरिकन्स और ब्रिटिश की बात हो रही है, दो से ज़्यादा पार्टीज की इसमें बात नहीं हो रही है। इसलिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि अमंग जो है वो बी में दिया है और बी के स्थान पर यहाँ पर इसमें आएगा बिटवीन। ठीक है, टुक प्लेस का मतलब होता है होना, टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए टेक प्लेस के स्थान पर इसमें हमने टुक प्लेस का प्रयोग किया है, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड टू राउंडिंग द बेंड। देखिए, ये क्वेश्चन है जो लिटरेचर से लिया है। एक पानी की धारा है, पानी की धारा जैसे 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 एक बॉटल होती है, बॉटल में से एक भरी हुई पानी की बोतल है, उसमें से पानी को जब आप उल्टा करके खाली करते हैं तो बोतल की जो नेक होती है उसमें से जब पानी निकलता है तो पानी की जो आवाज़ रहती है वो एक अलग सी चेंज हो जाती है, गर्गल्ड उसको हम बोलते हैं। जैसे हम पानी से कुल्ला करते हैं, वो जो आवाज़ आती है उसको हम गर्गल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि स्ट्रीम गर्गल्ड, पानी की धारा ने गर्गल्ड किया कंटेंटेडली, संतोषजनक रूप से। ये एक्चुअली एक लिटरेचर का क्वेश्चन है। एज इट स्लोड अराउंड द बेंड, वहाँ पर जब पानी की धारा के पास एक मोड़ था और मोड़ के पास जब पानी की धारा वहाँ से निकली तो उसकी जो आवाज़ थी वो गर्गल्ड की आवाज़ में चेंज हो गई। ठीक है, द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड टू राउंडिंग, नहीं, स्लोड अराउंड द बेंड। अराउंड द बेंड मतलब जो 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 मोड़ होता है, जो स्ट्रीम का मोड़ होता है वहाँ पर उसकी बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो स्लोड टू हम नहीं बोलेंगे, स्लोड अराउंड द बेंड, अराउंड द बैंड जहाँ पर मोड़ के पास वो थोड़ी सी धीमी हो गई। द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड, यहाँ पर हम बोलेंगे स्लोड अराउंड द बैंड। ठीक है, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम टू एन इन ऑर्डर टू इलूड द पुलिस। इलूड का मतलब क्या होता है? इलूड का मतलब होता है चकमा देना। ठीक है, क्रिमिनल पुलिस को चकमा देता है। ठीक है, तो पुलिस, क्रिमिनल ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने नाम को चेंज कर लिया। ये सेंटेंस में बोला जा रहा है, द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम टू एन। उसने अपना नेम को चेंज कर लिया। और देखिए, क्रिमिनल्स का एक दूसरा नाम होता है, एक तो रियल नाम होता है और एक जिसको हम बोलते हैं उर्फ। जैसे कोई भी आप नाम लीजिए, अजय शर्मा उर्फ मुन्ना, ठीक है, राम श्रीवास्तव उर्फ बबलू, तो उस उर्फ को हम एलियास बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब उसका एक दूसरा नाम होता है। रियल नेम का ये एक दूसरा नेम होता है, उसको हम बोलते हैं एलियास। और ये एक नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है, एलियास। नॉर्मली हम इसको नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम टू एन एलियास इन ऑर्डर टू इलूड द पुलिस। ऑप्शन और अल्टरनेटिव तो एक ही चीज़ है। अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन, अनट्रू मतलब सही नहीं है, तो एलियास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद माई हस्बैंड आई हैड वॉज सो लाउड इट वोक आर चिल्ड्रन। वोक का मतलब क्या है? वेक का मतलब होता है जागना, जगना या जगा देना किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे, इसमें एक वर्ड आया है लाउड, और लाउड की वजह से यहाँ पर बच्चे जाग जाते हैं। तो लाउड क्या चीज़ थी? लाउड क्वेरल था। द क्वेरल विद माई हस्बैंड एंड आई हैड वॉज सो लाउड इट वोक आर चिल्ड्रन, मतलब हमारे, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो झगड़ा हुआ वो इतना लाउड था कि उसने हमारे बच्चों को जगा दिया। तो यहाँ पर इसमें क्वेरल सही होगा। कोरल एक्चुअली समुद्र में होता है, कोरल रीफ जिसको बोलते हैं। मोरल नहीं होगा, मोरल का मतलब नैतिक होता है। और लॉरेल एक्चुअली एक पेड़ का नाम भी होता है, लॉरेल का मतलब तारीफ करना भी होता है। तो क्वेरल यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। सिनोनिम यहाँ पर आपको बताना है, लिटर का सिनोनिम, लिटर एक्चुअली हम बोलते हैं कूड़ा करकट जो होता है, गार्बेज जो होता है उसको हम लिटर बोलते हैं, और इसका इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है ट्रैश। ठीक है,
पजेस का मतलब किसी चीज़ को ओन करना, किसी चीज़ को अपने अधिकार में लेना। ऑर्डर का मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है, सिस्टम। तो ये तो सिंपल वर्ड्स हैं। ट्रैश यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। ऑब्लिटरेट, ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। ऑब्लिटरेट का मतलब मिटाना, हटाना या डैमेज करना, ऑब्लिटरेट। और इसका इक्विवेलेंट वर्ड होगा एनीहिलेट। एनीहिलेट और ऑब्लिटरेट ये इक्विवेलेंट वर्ड है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, रिवाइव मतलब पुनः जीवित करना, इनिशिएट मतलब शुरू करना। तो एनीहिलेट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बताना है। स्क्रिम्प क्या होता है? स्क्रिम्प का मतलब पैसे को बचा के रखना या कंजूसी करना, इकोनोमाइज करना पैसे को। स्क्रिम्प और स्किम्प ये दोनों सेम वर्ड है। और इसका अपोजिट क्या होगा? स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना पैसे को, बचाना नहीं बल्कि वेस्ट करना। तो सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। स्क्रिम्प मतलब इकोनोमाइज करना, स्किम्प भी सेम वर्ड है। कंजर्व का प्रयोग हम नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उसको बचाने के सेंस में करते हैं, पैसे को बचाने के सेंस में इस कंजर्व वर्ड हम यूज़ नहीं करते। कर्टेल का मतलब होता है काटना या किसी चीज़ को छोटा करना। स्क्वेंडर यहाँ पर सही एंटोनिम इसका होगा। गज़ल का क्या मतलब है? गज़ल का मतलब है कि बहुत तेज़ी से, बहुत ग्रीडीली किसी चीज़ को खाना या पीना। जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और 2 या 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है और आपको अचानक से बहुत टेस्टी फूड आपके सामने आ जाता है, तो बहुत तेज़ी से, बहुत हार्टली हार्टीली और ग्रीडीली आप उसको खाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं गज़ल, ठीक है। खाने और पीने दोनों के लिए ही इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और कॉफ, कॉफ का मतलब भी वही होता है, कॉफ। और कैराउस का मतलब भी वही होता है, ठीक है। कैराउस का मतलब खाना पीना, हंसी मजाक करना, जैसे पार्टी में लोग करते हैं, कैराउस। कॉफ का मतलब भी वही होता है। कॉफ को हम नॉर्मली ड्रिंक के सेंस में यूज़ करते हैं, कॉफ। और स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना, ठीक है। तो स्टार्व इसका एंटोनिम होगा। कैराउस और कॉफ सेम वर्ड है। इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अंदर लेना, उसको 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 एब्जॉर्ब कर लेना, सीख लेना, इम्बाइब। तो स्टार्व गज़ल का एंटोनिम यहाँ पर होगा। ये इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन है। टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब होता है राहत की सांस लेना, ठीक है। कोई अनप्लीजेंट चीज होने से रुक जाए तो उसको हम बोलते हैं एक राहत की सांस ली। द सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैजेंट हैपेंड, ठीक है। कोई बुरी बुरी चीज होने वाली थी और वो नहीं हुई, तो आप बोलते हैं आई हीव अ साई ऑफ रिलीफ, यानी राहत की सांस, ठीक है। तो बी यहां पर इसमें सही आंसर आपका होगा। टू बी ऑन क्लाउड 9, सातवें आसमान पर होना, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आप, तो उसको बोलते हैं हम टू बी ऑन क्लाउड 9। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सी वॉज अनईजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन ए प्लेन बिफोर। देखिए यहाँ पर मैं एक यूज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे हम हैज़ बीन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मैं बोलूँ कि आई हैव बीन टू गोवा, मतलब मैं गोवा जा चुका हूँ। आई हैव बीन टू शिमला, मतलब मैं शिमला जा चुका हूँ। और यदि इसको मैं बोलूं कि आई हैड बीन टू शिमला, तो इसको मैं पास्ट में बोल रहा हूँ, पास्ट टेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, ये पास्ट में बोला है। जैसे आई हैड बीन टू गोवा बिफोर आई मैट हिम, मतलब उससे पहले, मुझसे मिलने से पहले मैं गोवा जा चुका था। तो हैव बीन टू एक होता है प्रेजेंट में और एक होता है हैड बीन टू। तो यहाँ पर लगेगा शी वॉज अनईजी, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं थी, अनकंफर्टेबल थी, बिकॉज शी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर। चूंकि यहाँ पर बिफोर का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर हम चूंकि बिफोर का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट टेंस में ये सेंटेंस पूरा लिखा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर नेवर बी के स्थान पर इसमें हम बोलेंगे सी हैड नेवर बीन, सी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इसमें आपका ए जो है ये सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड डैश टू पीसेस। देखिए डैश, डैश का मतलब भागना या दौड़ना भी होता है। डैश टू पीसेस का मतलब होता है किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना, डैश टू पीसेस। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड, उसने किस किस तरीके से अपने आप को बचाया। हाउ ही एस्केप्ड
और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बीइंग डैश टू पीसेस, हाउ ही एस्केप्ड बीइंग डैश, उसने एस्केप किया, किस चीज़ से एस्केप किया कि वो डैश्ड नहीं हो पाया। यहाँ पर एक्चुअली बीइंग डैश टू पीसेस का मतलब है कि हिट, उसको उसने अपने आप को हिट करने से रोक लिया, हिट करना भी होता है इसका मतलब। नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड, मतलब कोई नहीं जानता कि उसने अपने आप को कैसे बचाया हिट होने से। तो यहां पर बीइंग डैश्ड जो होगा ये सही आंसर होगा, बीइंग डैश्ड, हाउ ही एस्केप्ड, एस्केप्ड व्हाट, बीइंग डैश्ड, बीइंग डैश्ड मतलब हिट किया जाना किसी के द्वारा। और इसका एक मतलब बीइंग डैश्ड टू पीसेस का मतलब ये होता है कि टुकड़ों में किसी चीज को तोड़ देना, तो बी यहां पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एग्जर्ट ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग फ्लोटिंग इन इट, जैसे पानी पानी है और पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर उसके उसके नीचे जो थ्रस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्लंज माने तो डूबना होता है, सबमर्ज माने भी डूबना होता है, कैप्साइज जैसे नाव उलट जाती है उसको हम कैप्साइज बोलते हैं। अब थ्रस्ट यहां पर सही आंसर होगा, अपवर्ड फोर्स दैट ए फ्लूइड एग्जर्ट ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग इन इट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाना, उस पर व्यंग करना, उसको हम आयरनी एक्चुअली व्यंग करने को बोलते हैं, मॉक हंसी उड़ाने को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सही वर्ड क्या है, देखिए सैंक्शन तो पॉजिटिव वर्ड है, अप्रूव करना, फ्लैटर चापलूसी करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब बड़ाई करना तारीफ करना, तो सार्केज्म इसका सही आंसर होगा, सार्केस्टिक जैसे हम बोलते हैं, सार्केज्म किसी की हंसी उड़ाना, उसको व्यंग करना। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड थ्रैशिंग, एक्चुअली थ्रैशिंग के दो होते हैं, एक thrashing थ्रैशिंग मतलब पीटना या मारना किसी व्यक्ति को, नॉर्मली पीटना डंडी से या डंडे से पीटना, और एक होता है thresh थ्रैश, जैसे जैसे जो गेहूं की बाली होती है उसमें से गेहूं निकालते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा गांव में होता है थ्रेशर, होता है थ्रेशर, थ्रेशर मशीन से गेहूं को उस बाली से अलग करते हैं, लेकिन यहां पर thrashing थ्रैशिंग का मतलब होता है डंडी से पीटना, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा इसमें डी थ्रैशिंग, ये इसकी सही स्पेलिंग है thrashing। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब आम सहमति, लोगों के बीच में सहमति, तो इसमें हो जाएगा आपका CONSENSUS, ये इसमें सही स्पेलिंग है, सी इसमें सही स्पेलिंग है। पहला जंबल के क्वेश्चन देखते हैं, एज फॉर आर सेल्फ्स, जहां तक हमारा सवाल था, एज फॉर आर सेल्फ वी, तो वी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो इसमें आ जाएगा वी वर कंटेंटेड विथ, अब विथ के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, वी वर कंटेंटेड विथ अ गुड वॉश, यानी इसमें होगा, इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, वी वर कंटेंटेड विद अ गुड वॉश, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा आपका थर्ड, इसमें आपका आंसर होगा जेड बाय एक्स, जेड बाय एक्स, ठीक है, जेड बाय एक्स, ये इसका आंसर होगा। एज फॉर आर सेल्फ्स वी वर कंटेंटेड विद, हम सेटिस्फाइड थे, कंटेंटेड मतलब हम सेटिस्फाइड थे, वी वर कंटेंटेड विद वॉट, अ गुड वॉश एंड कॉम्बिंग आर हेयर, ये कोई स्टोरी है उसमें से बीच में से ये सेंटेंस उठाया है एक्चुअली, ठीक है, तो आपको लॉजिकली सेंटेंसेस को अरेंज करना है, और कॉन्टेक्स्ट आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो, क्योंकि बीच बीच में से सेंटेंसेस उठाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इफ देयर इज आ, इफ देयर इज आ, तो ए का मतलब है, यहाँ पर आ का मतलब है कि यहाँ पर इसके बाद नाउन चाहिए, इफ देयर इज ए चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ ए सर्टेन काइंड देयर हैज टू बी ए करस्पॉन्डिंग सेंसेसर, मतलब यदि ब्रेन में कोई एक्टिविटी होती है तो उसके इक्विवेलेंट एक सेंसेशन बॉडी में होता है। इफ देयर इज ए चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ ए सर्टेन के बाद काइंड आएगा, सर्टेन काइंड देयर हैज टू बी अ करस्पॉन्डिंग सेंसेशन, तो इसमें भी जेड बाय और एक्स, जेड बाय और एक्स, जेड बाय और एक्स, यानी बी इसमें आपका सही आंसर होगा। द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड, ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन है, फायर इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड इसमें वर्ब है, फायर ने डिस्ट्रॉयड किया किसको, द होल नेबरहुड को, तो नेबरहुड जो है ये इसमें ऑब्जेक्ट है,
ये इसमें ऑब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है, और ये इसमें सब्जेक्ट है। तो इसमें ये एक्टिव वॉइस है एक्चुअली, और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे और तो ये सेंटेंस हो जाएगा, द होल नेबरहुड वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसलिए ये हो जाएगा द हो। इसमें तो इज दिया है, वॉज के साथ बीइंग नहीं आएगा क्योंकि बीइंग कंटिन्यूअस टेंस में आता है, इसके साथ बीइंग नहीं आएगा। इसमें आपका आंसर होगा ये वाला, द होल नेबरहुड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, बी इसमें आपका सही आंसर होगा। वॉज डिस्ट्रॉयड हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये सिर्फ सेंटेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस में है, और पास्ट सिंपल टेंस में हम वॉज वर्ब लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इज एम आर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस में हम हैज बीन हैव बीन लेते हैं। इस तरीके से ये बी इसका आंसर होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन को समझने के लिए आप मेरे एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन के ग्रामर पोर्शन में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, इससे एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन के आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। द एक्यूज सेड टू द जज, लेट मी बीट माई चिल्ड्रन बिफोर आई डाई सर, मतलब इसमें एक्यूज जज से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, द एक्यूज रिक्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में जाएगा तो रिक्वेस्ट तो नहीं होगा, रिक्वेस्ट सकता है, द एक्यूज रिक्वेस्टेड द जज टू लेट हिम मीट ही चिल्ड्रन बिफोर ही डाइड, डाई का भी डाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसमें सही आंसर होगा। द एक्यूज बैग्स नहीं आएगा, इसमें बैग्ड भी नहीं आएगा, बैग द जज टू अलाउ हिम टू मीट ही चिल्ड्रन बिफोर ही डाइज नहीं होगा, ये वैसे भी गलत है, लेट हिम मीट ही चिल्ड्रन बिफोर ही डाइज इसमें नहीं होगा, तो इसमें डाई का डाइड होगा और रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो बी इसमें आप एक्चुअली सही है, द एक्यूज रिक्वेस्टेड द जज टू लेट हिम मीट ही चिल्ड्रन बिफोर ही डाइड, बी इसमें आपका सही आंसर है। ये है आपका क्लोज टेस्ट, इसको देखते हैं। जिम क्रो शंस द माउंटेन फॉर रीजन सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ, नॉट सो द मैगपाई, द रेबन एंड द मिस्चीफ मेकर क्लार्क नट क्रैकर, ऑल ऑफ विच कीप्स द बर्ड लवर फ्रॉम द ईस्ट इन एन एक्सटेसी ऑफ सरप्राइज। इस क्लोज टेस्ट में एक्चुअली जो अलग अलग तरह की अलग अलग प्रजातियों की जो जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़ियाएँ होती हैं, उनके बारे में इसमें बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैगपाई, रेबन और मिस्चीफ मेकर क्लार्क नट क्रैकर ये सारी चिड़ियाओं के नाम हैं, बर्ड लवर इसमें एक वर्ड आया है तो उसके बारे में इसमें बात हो रही है, तो देखते हैं इसमें किस तरीके से हम इसको फिल करेंगे। जिम क्राउ शंस द माउंटेन्स फॉर रीजन सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ, जिम क्राउ एक चिड़िया का नाम है और वो माउंटेन से बचता है, माउंटेन्स पर वो नहीं जाता या जाती, ठीक है, जिम क्राउ चिड़िया का नाम है। शंस द माउंटेन फॉर रीजन सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ, मतलब कुछ इस तरह के रीजन्स हैं जो केवल उसी को पता है, इन रीजन्स की वजह से जिम क्राउ जो है वो माउंटेन्स पर जाना पसंद नहीं करता है, नॉट सो द मैकपाई, और मैकपाई के बारे में भी ये बात सही है, ठीक है, द रेबन एंड एंड यहां पर बोलेंगे दैट मिस्चीफ मेकर, और वो मिस्चीफ मेकर उस यहां पर आ जाएगा आपका, दैट आ जाएगा यहां पर, एंड दैट मिस्चीफ मेकर नट कैकर, ऑल ऑफ विच कीप्स द बर्ड लवर फ्रॉम द ईस्ट इन एन एक्सटेसी ऑफ सरप्राइज, मतलब ये सारी जो चिड़ियाएँ हैं, ये सारे जो जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड लवर को ईस्ट से जो बर्ड लवर हैं उनको एक आनंदित करती हैं ये, ठीक है, कीप द बर्ड लवर फ्रॉम द ईस्ट इन एन एक्सटेसी ऑफ सरप्राइजेस अंटिल ही हैज एकस्टम्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, और थर्ड फॉर्म है बिकम, बिकम बिकेम और बिकम, ठीक है, तो बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही होता हैज लगाया यहाँ पर, थर्ड फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा बिकम, बिकम एकस्टम्ड टू ही चेंज्ड एनवायरमेंट, वन कैन नॉट हेल्प, देखिए ये जो होता है आई कुड नॉट हेल्प, ही कुड नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प, ये एक फ्रेज है, इसके बाद हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल वन कैन नॉट हेल्प, यहाँ पर आ जाएगा फॉलिंग, फॉलिंग इन टू द स्पेकुलेटिव मूड इन व्यू ऑफ द शार्प कॉन्ट्रास्ट, शार्प कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो दो चीज़ों के बीच में होता है, कॉन्ट्रास्ट हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा बिटवीन, शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बर्ड्स ऑफ द ईस्ट, यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना हो रही है, ईस्ट की बर्ड्स और वेस्ट की बर्ड्स, तो यहाँ पर द वर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड द वर्ड्स ऑफ द वेस्ट के स्थान पर हम बोल सकते हैं दोज ऑफ, यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर हमने बोला है बर्ड्स ऑफ द ईस्ट,
एंड द बर्ड्स ऑफ द वेस्ट. तो वर्ड्स को यदि आप रिपीट नहीं करना चाहते तो उसके स्थान पर आप बोल सकते हैं दोज ऑफ. दैट ऑफ का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं, दोज ऑफ का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं. ठीक है, नाउन के रिप्लेसमेंट को रोकने के लिए हम दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं. तो यहां पर हो जाएगा द वर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड दोज ऑफ द वेस्ट. ठीक है, दोज ऑफ द वेस्ट मतलब वर्ड्स ऑफ द वेस्ट. तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन हैं इसमें, और ये सेट 26 है. बाकी के सेट भी आप जरूर देखें, और एक ही सेट को यदि आप कई बार देखते हैं, तीन या चार बार देखते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में आप इन क्वेश्चंस को रिटेन कर सकते हैं, और इन्हीं से मिलते जुलते सेम क्वेश्चंस सेम पैटर्न पर आपसे SSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर और इन ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. Thank you.